नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पत्रकार साथी कृष्ण कुमार, ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। जिला पंचायत की चुनावी सरगर्मियों में एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं। क्षेत्र क्रमांक 8 में एक प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम वही 5 सवाल पूछेंगे, आपके 5 सवाल, जनता के 5 सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं। इस समय क्षेत्र क्रमांक 8 से सुख चंद्रू मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं आपके 5 सवाल। सुखचंद जी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से लड़ रहे हैं, 10 लोग हैं, तो कैसे नैया पार लगेगी? देखिए भैया, यहाँ पे पार्टी विशेष के नाम से चुनाव नहीं जीत पाते, व्यक्ति विशेष के नाम से चुनाव जीतते हैं, है ना। तो हमारा सोच है कि हम सदा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एक उम्मीद है कि हम बिल्कुल विजय होंगे। बड़ा इलाका है, काफ़ी गांव हैं, 50-60 से ज़्यादा गांव होंगे, मेरे को ऐसा लगता है क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही 8 ही नंबर है जी। तो कैसे कवर करेंगे, कम समय है? बशर्ते है कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ एक वर्चस्व होता है। इसमें 10 प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं जिसका वर्चस्व ज़्यादा होगा वो विजय होंगे। क्या आपका चुनाव चिन्ह है और किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हो? चुनाव चिन्ह मेरा है जाता साहब, जिसको देहाती में जाता बोलते हैं, और चक्की। और मुद्दा तो मेरा है कि पूरे क्षेत्र में हर जनता के साथ मैं सुख दुख में सदा साथ रहा, और जो भी समस्या रहे उसका मैं बिल्कुल दिल से पूरा कोशिश करने का प्रयास किया हूँ और करूँगा। जनता यदि आपको इस बार चुनती है तो कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनको आप प्राथमिकता से दूर करने की कोशिश करोगे? क्षेत्र में सबसे शोभा आपके शोभा एरिया है, टोटल 11-12 जो पंचायत हैं उसमें ना रोड है, ना पुलिया है, ना बिजली है, और बहुत सारे लोग 2005 के पूर्व काबिज हैं वन पट्टे के लिए, आज उनको मिला नहीं है। तो इन मुद्दों पर मैं काम करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? बिल्कुल करूंगा। मेरे जनपद क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं, और मैं आपके सुख दुख में सदा साथ रहूंगा। ये थे सुखचंद ध्रुव जी, क्षेत्र क्रमांक 8 से जो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने बात रखी है, बताया कि वो जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्यों जनता उनको वोट करे, उनके लिए चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।